तो वैसे एक अंदाजे के लिए जैसे आप लोग देख ही सकते हो कि DJI Cosmo Action 3 की जो नाइट क्वालिटी है वो कुछ इस तरह 2.7K पे, क्योंकि यही वाला रेशियो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था सबसे बेस्ट रहता है। सो इस तरह मतलब आपको जो कलर ग्रेडिंग है बिल्कुल कोई एडिटेड नहीं है, ये वाला वीडियो है मतलब विदाउट सेटिंग्स वाला। और इस वाले में मैंने मतलब वो कस्टम वाले सेटिंग जो दिखाए अभी ये ऑन थे, ठीक है, तो क्लैरिटी देख सकते हो डिफरेंस। कंपेयर कर लेना कि कौन सा अच्छा लग रहा है ज़्यादा, कौन सा आपको बेटर एंगल दे रहा है नाइट क्वालिटी में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, और मेरे साथ शिवम भाई GT 650 के साथ और अपनी 390। फिलहाल पेट्रोल कम है बट कोई दिक्कत नहीं है, भरवा लेंगे, बाकी यहाँ से हम चल रहे हैं। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही हो गए एंड बढ़िया भी रहने चाहिए। आज नाइट राइड कर रहे हैं, अपना शूट वगैरह करेंगे, एंड एज आपको पता ही है मेरे पास DJI का कैमरा है एक्शन 3, और मैं चाह रहा था कि एक टेस्टिंग वीडियो बना दूं कि भाई रात में क्या क्वालिटी आती है। यहाँ पे चेक कर लो भाई, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। सो इस तरह की कुछ क्वालिटी आ रही होगी, बिल्कुल कोई लाइट नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बस गाड़ियों की पीछे की लाइटें चल रही हैं और मेरे बाइक की आगे की हेडलाइट। सो इस तरह वीडियो क्वालिटी आती है रात की, और 2.7K पे ही सेट किया हुआ है मैंने फ़िलहाल, जो कि अपना अल्ट्रा वाइड और 60 FPS के साथ दे देता है। सो हम लोग अभी निकल रहे हैं एक शूट के लिए, एक लोकेशन देखते हैं, और ये लो भाई मज़ा ही आ रहा था इसको भगाने के बाद, तो क्या फील आती है, बहुत ही तगड़ी फील कि आसपास से लोग बाग ऐसे देखते हैं कि लो भाई। दोनों भाइयों ने ऐसा आउटफिट पहन लिया मस्त अपना शूट के लिए। लो तुम्हें भाई का आउटफिट चेक कराता हूँ, ये देखो फुल भाई लेदर जैकेट के साथ है। सो गाइस, एक अंदाजे के लिए जैसे आप लोग देख ही सकते हो कि DJI Cosmo Action 3 की जो नाइट क्वालिटी है वो कुछ इस तरह 2.7K पे, क्योंकि यही वाला रेशियो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था सबसे बेस्ट रहता है। सो इस तरह मतलब आपको जो कलर ग्रेडिंग है बिल्कुल कोई एडिटेड नहीं है, कलर ग्रेडिंग, एंगल और जो क्वालिटी है सब कुछ आपको ऐसा मिलेगा अपना DJI Cosmo Action 3 पे। और बाकी GoPro की अभी मेरे पास कोई क्लिप नहीं है, बट मैं ढूंढ के किसी दोस्त से वो क्लिप निकालता हूँ नाइट वाली, एंड उसको भी मैं दिखा दूंगा ताकि आप लोग कंपेयर कर सको कि भाई 23,000 के कैमरे में और जो भाई अपना 27,000 का GoPro जो है कौन सा बेटर है। मतलब यार अगर आप 5,000 कॉम्प्रोमाइज करके देख सकते हो कि भाई दोनों में क्या फ़र्क, कितना फ़र्क आ रहा है। देखो महंगा है, कुछ ना कुछ तो अलग बातचीत है उसमें, जो कि मुझे जो लगता है वो है उसमें 5K रिकॉर्डिंग देता है, जो कि उसका कोई यूज़ नहीं है बिल्कुल। और कुछ लोगों को तो भाई कैमरा मिल गया बट उनको यूज़ करना भी नहीं आता, बताओ। मैं आपको विद वीडियो दिखा दूंगा, तो ये वाला वीडियो है मतलब विदाउट सेटिंग्स वाला। और इस वाले में मैंने मतलब वो कस्टम वाले सेटिंग जो दिखाए अभी ये ऑन थे, ठीक है, तो क्लैरिटी देख सकते हो डिफरेंस। तो गाइस, आप लोगों ने देख ही ली होगी इसकी जो पहली वाली क्लिप थी GoPro की थी, जो मैंने वो किसी और की वीडियो निकाल के डाली है, तो दोनों की क्वालिटी देख ही सकते भाई कितना क्लियर है अपना DJI का, और GoPro का उतना क्लियर नहीं है। सो इससे आप कंपेयर कर सकते हो बहुत सही तरीके से। यार इतनी गर्मी है ना रात में भी, अब मैं यार दिन में तो चलो बहुत ही ज़्यादा होती है, रात में एटलीस्ट बंदा सह लेगा, हवा भी लगती रहती है ना। स्कोर में दिखा देता हूँ, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है मेरे ख्याल से, BAN लिखा हुआ है, मैं दिखाई भी नहीं देता ना दूर का। बाकी 103
रन हो रखे और 2 विकेट हो चुके हैं। इतना तो समझ आते हैं अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। स्टिल मेरा फोन से थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग करते हैं, मिलते हैं जैसे हम यहाँ। आज का सीन था हो चुका है भाई पूरा। तो गाइस आप लोग बताना ज़रूर कि नाइट की क्वालिटी कैसी लगी, क्योंकि बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में बनाई है मैंने, ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम ऐसा कुछ नहीं किया कि ये वो भसूड़ी बोल रहा हूँ मैं, कि नाइट की क्वालिटी दिखानी थी एक शॉट में कि 2.7K की कैसी आ रही है, कि बंदा सेटिस्फाइड हो सकता है या नहीं एक प्रोफेशनल यूट्यूब जिसको जैसे चलाना होता है मोटो ब्लॉगिंग करना है प्रोफेशनली, वो इसमें कर सकता है या नहीं। ओहो भाई मज़ा ही आ जाता है। अगर यह इंस्टा 360 होता ना, मैं कह रहा हूँ भाई बहुत रिएक्शन आते। एडिट जब करूँगा कोई गोप्रो की एक नाइट की एक क्वालिटी डाल दूँगा जिससे कंपेयर कर लो आप लोग। सर उसका रिव्यू तो मैं नहीं दे सकता कि GoPro का अच्छा है या इसका अच्छा है, वो आप लोग खुद ही वीडियो को देख के भाई कंपेयर कर लेना कि कौन सा अच्छा लग रहा है ज़्यादा, कौन सा आपको बेटर एंगल दे रहा है नाइट क्वालिटी में तो टाइम निकाल के। एंड अब यह है इंस्टा पे, यूट्यूब पे, दोनों जगह पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, तो वहाँ पे भी जाओ भाई। इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, काफ़ी अमेजिंग रील्स डालता हूँ मैं। और भाई ये चेक करो, ये देखो भाई, ये देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हो गाड़ी में कैसे हवाबाजी कर रहे हैं, ये रुको बदमाशी दिखा रहा है। देख रहे हो बदमाशी इनकी, बात की बदमाशी चल रही है भाई, गाड़ी से ऐसे बाहर आना, ये देख रहे हो, देख रहे हो भाई, ये ऐसे बंदे हैं कि ठोक देंगे इधर उधर, किसी का नहीं सोचते ये भाई। ये सब मत किया करो भाई, सुट्टे मार रहे हैं गाड़ी में बाहर लटक के, हेड ब्लैक करा रखे हैं, कराओ भाई, चलाओ अपना, मॉडिफिकेशन कराओ, पैसा लगाओ, ये छपरी वाली हरकतें मत करो ठीक है। पैसा है, पैसे वाले छपरे हैं ये, सॉरी पैसे वाले छपरी हैं ये। सो गाइस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि और कुछ तो है नहीं, जो मुझे दिखाना था वो मैंने दिखा दिया कि नाइट की क्वालिटी कैसे आ रही है। सो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर परचेज़ करो यार, ये कैमरा बहुत सही है यार, काफ़ी कुछ हेल्प कर देता है ये मेरे को, कैमरा काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए, मेरा इंस्टाग्राम भी बढ़ा रहा है काफ़ी। तो भाई अगर बढ़िया लग रहा हो कि दिन में भी क्वालिटी, तो बहुत लोगों ने देखी होगी मेरी सारी वीडियोज़ जो हैं, ये वीडियो जिसमें रात की क्वालिटी शो कर रहा हूँ, ये लो देख रहे हो, देख रहे हो साढ़े कहीं पे भी रोक देगा क्या बिना इंडिकेटर दिए हुए। तो चलो गाइस बहुत ज़्यादा देर हो गई है, रात भी हो गई है, मैंने भी अब घर जाना है, कुछ काम है अभी मेरे को। सो वीडियो को बंद करता हूँ, अच्छी लगी तो भाई ज़रूर शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, सबके साथ, एंड थोड़ा सपोर्ट दे दो मुझे भी जैसे आप लोग बाकी लोगों को भी देते हो। तो ठीक है फिर मिलते हैं सी नेक्स्ट व्लॉग में, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।